मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गिलोय का पौधा हम घर पर किस तरह से लगाएं। आप चाहें तो गिलोय के पौधे को उसके बीजों से भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसे इसकी कटिंग के द्वारा भी लगा सकते हैं। और वैसे भी तो गिलोय का जो पौधा है दोस्तों, आपको कहीं भी मिल जाएगा। और यदि आप इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन परचेज करने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से गिलोय का पौधा परचेज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, मैंने भी अपने घर पर कम से कम 3 से 4 गिलोय के पौधे लगाए हैं। गिलोय के औषधि गुण के बारे में तो दोस्तों आपको पता ही होगा, गुणों का भंडार है, बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मेडिसिनल प्लांट है दोस्तों, बहुत सी बीमारियों में काम आता है। जिद्दी से जिद्दी बुखार, जो कि महीनों नहीं उतरता, वो बुखार भी उतर जाता है। स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियों में गिलोय का रस पीने की सलाह दी जाती है। तो मैं आपको इस वीडियो में गिलोय का काढ़ा भी बनाऊंगी, रस बनाना भी बताऊंगी, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि गिलोय का पाउडर आप बनाकर कैसे रख सकते हैं। तो ये देखिए, आप चाहें तो इस तरह से ऑनलाइन भी गिलोय का पौधा मंगा सकते हैं। मेरे यहाँ तो मैंने अपने बगीचे में बहुत से पौधे लगाए हैं गिलोय के। आपको गिलोय के स्टेम का यूज़ करना है दोस्तों। जो आपको मोटी सी इसकी डंडी दिख रही है ना, ये नरम नरम जो शाखाएं दिख रही, जो पत्तियों के पास है, इनका यूज़ नहीं करना है। गिलोय की पत्ती का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ गिलोय के स्टेम को ही आपको काम में लेना है। तो इसका जो स्टेम होता है दोस्तों, आप इसके स्टेम के ऊपर ये जो छोटे छोटे से दाने दाने से देख रहे हैं, ये गिलोय की पहचान है। इसकी जो डंडियां होती हैं, इन डंडियों में ऊपर ऊपर दाने से होते हैं। और इसकी जो पत्तियां होती हैं ना दोस्तों, गिलोय की बिल्कुल जैसे हमारे पान का पौधा होता है, पान के पौधे की पत्ती से मिलती जुलती ही गिलोय की पत्तियाँ होती हैं। और बहुत से लोगों को तो गिलोय के पौधे की पहचान नहीं होती है। गिलोय के पौधे की पहचान का वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, पहली पहचान तो ये है कि पान की पत्ती के जैसे इसके स्टेम में ये जो छोटे छोटे से दाने दिख रहे हैं दोस्तों, इन्हीं दानों में से नए नई शाखाएँ निकलती हैं, नए नए ब्रांचेस निकलती हैं। और हो सकता है आपके घर के आसपास गिलोय की बेल लगी हो, आप इसे पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में तो ये जो बेल है ना दोस्तों, बहुत से पौधों में लिपटी रहती है। हमें पहचाने में गलती हो जाती है कि अरे ये तो गिलोय का ही पौधा है। तो दोस्तों, आप इसे अगर ध्यान से देख लें तो आप समझ जाएंगे। और नीम के पेड़ पर भी कई बार गिलोय लिपटी रहती, तो ऐसा कहा जाता है नीम पर लिपटी हुई जो गिलोय की बेल होती है वो तो और भी ज़्यादा औषधीय गुण से भरी रहती है, और उसे कहा जाता है नीम गिलोय। तो आप भी अपने घर के आसपास देख सकते हैं, इस रेनी सीजन में तो आपको ये कहीं ना कहीं आसानी से इसकी बेल दिखाई दे जाएगी। अमृत के समान इसे माना जाता है दोस्तों, इसकी इतनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, बहुत से लोग इसे अमृता भी कहते हैं, क्योंकि अमृत से इसे इसकी तुलना की गई है, इतनी ज़्यादा इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। आँखों की रोशनी को बढ़ाती है, साथ ही चेहरे पर जो फोड़े, फुंसी, मुहासे जैसी समस्या होती है वो भी हल होती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो कि आज हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है, वह है यह गिलोय का रस, गिलोय का काढ़ा हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है गिलोय का काढ़ा, गिलोय का रस। तो बस इस तरह से आपको क्या करना है दोस्तों, सिर्फ इसकी कटिंग लेना है। ये जो डंडियां दिख रही हैं, बस आप इसको कहीं भी लगा दें, मिट्टी में, गमले में, प्लास्टिक की बॉटल में मिट्टी डालकर, तो भी ये उग जाएगी। बहुत ही तेज़ी से ये फैल जाती है और इसे लगाना बहुत आसान है। तो मैं तो इसकी जो डंडियां हैं दोस्तों, 5-6 जगह मैंने अलग अलग लगा दी हैं। और आप यदि गिलोय की जो डंडियां ख़रीदना चाहते हैं, आपको ऐसा लग रहा है अरे हमारे पास तो पौधा नहीं है, जैसा मैंने कि आपको बताया, पौधा आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। यदि गिलोय की डंडियाँ चाहिए दोस्तों, तो ये भी आजकल ऑनलाइन मिल रही हैं और बहुत आसानी से आप इसे मंगा सकते हैं, और इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं। और इस समय तो आपको ज़रूर गिलोय का काढ़ा, गिलोय का रस ज़रूर पीना चाहिए, और ख़ासकर जब हम घर पर इतने हाइजीनिक तरीके से बनाते हैं, तब तो हमें ज़रूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप ऑनलाइन इसकी डंडियों को परचेज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गई इसकी पहचान की बात, इसके फ़ायदे की बात दोस्तों, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती, किसी भी तरह का बुखार है वह भी उतर जाता है, साथ ही साथ बहुत सी बीमारियों से बचाती है दोस्तों। और इसके जो मुलायम पत्ते हैं, जैसे मैंने बताया मुलायम स्टेम है, उसे हमें नहीं खाना है दोस्तों। इसकी जो डंडियां हैं, जो जड़ के पास का हिस्सा है, मोटा स्टेम है, उसे ही खाना है।
तो आप भी अपने घर पर गिलोय का पौधा लगाएं। तो ये देखिए, एक मैं आपको स्टेम को निकाल कर दिखा रही हूँ, जिसे मैंने 4-5 दिन पहले ऐसे ही मिट्टी पर लगा दिया था दोस्तों, और इतनी तेज़ी से ये फैल जाती, बढ़ने लगती है। ये सिर्फ मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, आप देख सकते हैं इसकी जड़। तो इसी तरह से जब भी ये स्टेम, मैं मेरे पास तो बहुत सारे हैं, काट के रखे हैं मैंने दोस्तों, रोज़ ही हमें इसका काढ़ा पीना चाहिए। और इसके जितने ही आपको मोटे मोटे दाने दिख रहे हैं, सबसे हरी हरी इसकी पत्तियाँ निकलती हैं। आप सिर्फ ये जो डंडियाँ दिख रही ना दोस्तों, आप इसे भी लगा सकते हैं। देखिए, एक डंडी मैंने काट के दिखाई, बिल्कुल नरम सी डंडियाँ रहती हैं दोस्तों, और इसमें से मतलब एक स्टिकी सा सब्सटेंस निकलता रहता है। और जब यदि आप इस डंडी को चबाएंगे ना दोस्तों, तो जैसे स्पंज होता है, बिल्कुल ये वैसा ही लगता है चबाने पर, और बहुत आसानी से हम चाकू से इसे काट सकते हैं। ये देखिए, और अंदर का हिस्सा जब मैं आपको काट के दिखा रही हूँ, हरे रंग का दिख रहा है, एक फूल होता ना, फ्लावर का शेप दिखता है दोस्तों, ऐसा लगता है अंदर अरे फ्लावर की आकृति बनी हुई है। ये देखिए, छोटे छोटे टुकड़ों, कितनी आसानी से मैं चाकू से इसे काट के दिखा रही हूँ आपको। बिल्कुल नरम नरम सी इसकी डंडियाँ हैं, हरी हरी नरम, बहुत ही जूसी इसकी डंडियाँ हैं। आप चाहें तो दोस्तों इसकी डंडियों को बारीक बारीक काट कर सुखा लें, ग्राइंडिंग जार में डालकर आप इसका फाइन पाउडर बना लें, और हल्के गर्म पानी में आप इसके पाउडर को डालकर पी सकते हैं। काढ़ा बनाना है दोस्तों, तो आप इसकी डंडियों को पानी में उबाल लें और फिर उसको पिए, तो ये बन जाएगा गिलोय का काढ़ा। गिलोय का रस बनाना चाहते हैं तो आप इसका ऊपर ऊपर का छिलका निकाल लें, ग्राइंडिंग जार में डालें, एक चम्मच पानी डालें और बढ़िया फाइन पेस्ट बना लें। और उस पेस्ट को आपको डालना है एक गिलास गर्म पानी में, और ये बन जाएगा हमारा गिलोय का रस। किसी ना किसी रूप में सेवन करें, पाउडर बनाएं, चाहे तो जैसा मैंने बताया कि काढ़ा बनाएं, परंतु रोज़ आप गिलोय का सेवन ज़रूर करें। ये इतनी सारी इसकी डंडियाँ आपको दिख रही हैं, तो हो सकता है आपके घर के आसपास ही ये पौधा लगा हो, तो आप वहाँ से लें, नहीं तो आप ऑनलाइन गिलोय की ये सभी स्टिक को आप मंगा सकते हैं। और इस समय तो आपको ज़रूर मंगाना चाहिए, जितना हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी, हम शरीर से जितने मजबूत रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, बहुत सी बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो पहले क्या करना है दोस्तों, इसकी डंडियों को हल्का सा आप कुचल लें, ताकि इनका रस जो है, जूस है, वो बाहर निकल जाए, और फिर आप इसे पानी में उबाल लें। और यदि आप इसका रस बनाना चाहते हैं तो हल्का सा कुचल कर ग्राइंडिंग जार में डालें और पीस लें। परंतु अब मैं आपको काढ़ा बनाना बता रही हूँ। तो एक बड़ा ग्लास गरम पानी रख दिया है मैंने, और उसमें मैंने गिलोय की डंडियों को डाल दिया है। 4 से 5 इंच की डंडी आपको लेना है एक ग्लास काढ़ा बनाने के लिए, बाकी डंडियों को आप रख दें दोस्तों। रोज़ ही आप इतनी डंडी का इस्तेमाल करें, और इस काढ़े को कोशिश करें हल्का गरम गरम ही लें, तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले आप इसे ज़रूर लें, आप खुद देखेंगे आपको आपके शरीर में बहुत ही फुर्ती ताजगी महसूस होगी, और साथ ही साथ हमारा जब इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होगा तो बहुत सी बीमारियों से हम बच सकते हैं। औषधियों का भंडार है, तभी तो दोस्तों इसे अमृता कहा जाता, अमृत से इसको कंपेयर किया गया है। तो बढ़िया, इसे मैंने छान लिया है और ये हमारा गिलोय का काढ़ा बनकर तैयार है। आप इसका रस बनाना चाहते हैं तो बिना उबाले इसे पीस कर दबा कर इसका रस निकाल लें, और फिर रस को स्टोर कर लें। और गिलोय की लकड़ी परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।